श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का नाम मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। सर आपको अमिताभ का नाम मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का नाम मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। सर सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या उसके बाद? एक सेकंड बताऊं मैं आपको सर, ये बात है सर, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट दिस इज इनकरेक्ट सर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के। सुनो सर, सर प्लीज प्लीज प्लीज, यस मैम। नीरज या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। नहीं नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, और एक एक से नहीं नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का निर्णय मैं करता हूँ और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री चार पूछ सकें। जी थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट, और जहाँ तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े हैं, हाँ। तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है, देख लीजिए। सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा अच्छा, सॉरी सर आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है, ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं, आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है, दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड, हाँ नेशन इज प्राउड। हाँ जया जी प्लीज। सर सप्लीमेंट्री नंबर 4। सर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था, अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी था, मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे मगर नहीं जा सकी, तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल्स स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो विषय आपने उनको बताया कि नाम क्या है, उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं उसका जवाब कहो तो मैं दे दूँ। नहीं वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, देयर इज एन अश्योरेंस कमिटी हियर, आपने अश्योरेंस दिया है अगले जन्म में भी आपने ये अगर अगले जन्म संसदीय परंपरा के दायरे में अपने आप को डाल दिया है।